लोकसभा चुनाव 2019 के चलते खरगोन जिले में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर और सहायक आबकारी आयुक्त नागेश्वर सोन केसर के मार्गदर्शन में गुप्त रूप से बनाई जा रही योजना को अंजाम दिया। जिले के आबकारी बल द्वारा भिकनगांव तहसील के ग्राम रतनपुर नाबार सिरलिया तालाब खेड़ी जागीर थाना गोगावा स्थित आज चिन्हित स्थानों पर महुआ के अवैध आसबन से बनाई जा रही हाथ भट्टी मदिरा के अड्डों पर दबिश देकर जिले की दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 34(1)(च) के तहत 8 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनके पास से अवैध शराब सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसमें अलग अलग स्थानों से कुल 150 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की और लगभग 10,500 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया। जब्त सामग्री और जब्त वाहनों का बाजार मूल्य लगभग 6,75,000 रुपये है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। विभाग के सहायक आयुक्त श्री नागेश्वर सोनकेसरी के मार्गदर्शन में आज जिले का आबकारी दल व्रत भीकर गाँव में कार्रवाई के लिए हमने बुलाया था, दल गठित किया और विभिन्न चिन्हित स्थल जिसमें ग्राम रतनपुर, ग्राम सिरलाय का तालाब और खेड़ी जागीर गांव है, यहां पर हमने कार्रवाई की आज और हाथ भट्टी मदिरा लगभग 150 लीटर बरामद की और 10,500 किलोग्राम लहान मौके पर ही नष्ट किया। खेड़ी जागीर से हमने मौके पर से 2 आरोपियों को फरार हो गए वो मौके से, जिनका पीछा किया लेकिन वो मोटरसाइकिल अपनी छोड़ गए, तो 2 मोटरसाइकिलों को हमने जब्त किया।